तारीख पे तारीख मिलती रही मिलॉर्ड पर इंसाफ नहीं मिला। सनी देओल की मशहूर फिल्म दामिनी का ये डायलॉग किसको याद नहीं होगा। अक्सर हम लोग जब कोर्ट कचहरी की आपस में चर्चा करते हैं तो इस डायलॉग को हमेशा याद किया जाता है। यही नहीं, जब भी बात कोर्ट की हो तो हर आम इंसान कोर्ट के चक्कर काटने से बचना चाहता है, क्योंकि अगर एक बार कोई कोर्ट के शुरू हो जाए तो इंसाफ मिलते मिलते 10, 20, 30 या पता नहीं कितने साल लग जाए, और कई बार बहुत साल के इंतजार के बाद भी इंसाफ नहीं मिल पाता, जिसके चलते न्यायपालिका के अलग अलग स्तर की अदालतों में 4.9 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। हमारे देश की न्यायपालिका की इसी हालत को मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी अपना पक्ष रखा। दरअसल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के सम्मेलन में रिजिजू ने देश की न्यायपालिका पर निशाना साधा। बड़े और नामी वकीलों पर उनका कहना था कि कुछ वकील एक बार की पेशी के लिए 30 से 40 लाख की मोटी फीस लेते हैं और कुछ वकीलों के पास काम नहीं होता। सबके लिए एक जैसे नियम कायदे हैं तो फिर ऐसा क्यों है? आइए वीडियो के जरिए सुनाते हैं आपको पूरा बयान। 15 साल 20 साल से पेंडिंग है तो क्या हम न्याय देने का काम कर रहे हैं क्या? अगर किसी कोर्ट में केसेस सालों सालों तक पेंडिंग है और जजेस के पास टाइम नहीं है या किसी वकील ने उसको उस तरीके से पेश नहीं किया, डेट लेते रहते हैं, कभी कभी तो जज भी डेट दे देते हैं, एक डेट, दो डेट, तीन महीने, साल भर, कभी कभी वकील भी डेट मांगते हैं कि इतने दिन के बाद मुझे फिर से मौका दीजिए। तो उस तरीके से जो लोग न्याय देने का जिम्मेदारी लेके बैठे हैं उन्हीं के माध्यम से न्याय नहीं देने का काम भी होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ वकील ऐसे होते हैं उनका तुरंत डेट लग जाता है, और कुछ वकील ऐसा है कि वो कहते हैं कि आप मेरे पास केस लेके आइए, मैं आपको केस जितवा दूंगा। वरना तो आप सोचिए कि कुछ वकील एक अपेयरेंस में 30 लाख 40 लाख चार्ज करते हैं और कुछ वकील को काम ही नहीं मिलते हैं। ऐसा क्यों? कानून तो सबने पढ़ा है, वही संविधान, वही एक्ट सबने पढ़ा है, वही धारा, वही सेक्शन सबने पढ़ा है। कुछ लोगों का थोड़ा तरीके से केस रखने का टैलेंट होता है, उसका इनबिल्ट क्वालिटी होते हैं, मगर प्रावधान तो सबको उसी तरीके से रखना है। लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं कि बड़े बड़े केस उसी के पास आते हैं और वो बैठे बैठे करोड़ों का कमाई करते हैं।